हेलो भैया, मैं हूँ नवीन मालवीय और आज हम लोग बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी बलेनो के बारे में। तो आज 25 तारीख हो चुकी है, 25 जून 24 मई को ये गाड़ी हमने ली थी, तो करीबन एक महीना हो चुका है। 5 बज रहे हैं अभी, मतलब 5 बज रहे और धूप तड़ाके की लग रही है भाई, बहुत गर्मी है। तो जो ये है सामने का जो लुक है भाई, ऐसा ही मिलता है। जो इसका फॉग लाइट है वही हमने एसेसरीज के तौर पर सामने में डलवा है, और डिलीवरी कुछ जिस टाइप की हो रही है ना, वो आपको मैं जो वीडियो के क्लिप है आपको वीडियो में दिख रहे होंगे। यहाँ आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलता है हेलोजन में, और नीचे एलईडी में लगवाया है क्योंकि दोनों का थ्रो जो है वो बढ़िया बने हैं, इसलिए एक हेलोजन और दूसरा एलईडी में लगवाया है। क्रोम का जो एलईडी मतलब नीचे का जो फॉग लाइट है उसके ऊपर क्रोम लगवाया है, और कुछ इस टाइप का लुक बन के आता है गाड़ी का, जो कि बढ़िया है भाई। और बॉडी मतलब क्या क्या कुछ प्लान बना, कैसे बलेनो डेल्टा ली हमने, सिग्मा के ऊपर क्यों नहीं गए, जेटा के ऊपर क्यों नहीं गए, वो बताऊंगा आज मैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो बात करूं कि जो डेल्टा है वो क्यों लिया हमने, तो भाई इसमें सारी रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें थी ना वो मिल रही थी, मतलब सारी जो रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत की चीज़ें थी सारी मिल रही थी, कोई भी जो दूसरी अटरम की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। और सिग्मा में ऐसी थी भाई कि काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आ रही थी, तो इसलिए सिग्मा की तरफ से वैसे ध्यान भी नहीं गया ना, जेटा की तरफ गया, सीधे गए और डेल्टा बुक कर भाई और डेल्टा ला लिए। जेटा की तरफ सिर्फ 2-3 डिफरेंसेस आते हैं, पीछे की तरफ वाइपर और एक अलॉय व्हील, और सिग्मा में अलॉय मतलब जो स्टील रिम है वो सिल्वर कलर में मिलते हैं, जो ORVM है वो आपको ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, अंदर में स्टूडियो वगैरह नहीं मिलता। तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस उन गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। इसमें आपको स्टील रिम वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक फिनिश में आपको स्टील रिम और सिल्वर फिनिश में व्हील कैप्स वगैरह देखने को मिलते हैं। डोर वाइजर हमने कंपनी की तरफ से लगवाया, इस टाइप की चाबी मिलती है, एक तरफ से लॉक और दूसरी अनलॉक। तो ये कुछ था भाई हमारा, और जो वीडियो मतलब डिलीवरी वाली है जो क्लिप वगैरह वो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, मैं डाल दूंगा। क्या क्या कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला भाई उनने, मतलब जो बैतूल का शोरूम था उसमें तक खास नहीं था, जो छिंदवाड़ा के उसकी बात अलग है, वो सब कुछ केक वेक कट करवाते हैं और सब कुछ सिस्टम सेट करवाते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर सिर्फ गाड़ी दे दी, चाबी दे दी, बस हो गया जाओ अपने घर वाला काम था। यहाँ पर कुछ इस टाइप की चाबी मिलती है, लॉक अनलॉक करते हैं, लॉक करते हैं, और जो इसके रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलते इस मॉडल में, वो जेटा से शुरू होते हैं। पीछे का कुछ इस टाइप का लुक है, और ये जो क्रोम गार्निश आपको दिख रही है ना, ये आफ्टर मार्केट हमने लगाई है। इसका बड़ा ही सीन है, उसका मैं सब कुछ बताऊँगा उसके बारे में भी। और सबसे पहले तो आप बात करते हैं इसके मतलब बाजू की, तो जो साइड बिटिंग वगैरह दिख रही है अभी एसेसरीज के तौर पे लगवाई है हमने भाई। इतना खास मेरे को जो बैतूल का शोरूम था ना, मतलब इतना खास जो लगा नहीं मेरे को, ठीक ठीक था, लेकिन इतना यार मतलब गाड़ी ले रहे हैं तो केक वेक कट करवाना था, जो छिंदवाड़ा में करवाते हैं, यहाँ पर यहाँ के कामती मोटर में कुछ भी नहीं होता। चालू करते गाड़ी को और यहाँ पर स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, डबल हॉर्न देखने को मिलेगा, सुजुकी का लोगो मिलेगा, इंफोटेनमेंट मिल जाता है 7 इंचेस का, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलेगा इस गाड़ी में, और हेजार्ड लाइट का स्विच, 4 एसी वेंट्स मिल जाएंगे। पीछे जो रियर डिफॉगर देखने को मिलेगा, वाइपर देखने को नहीं मिलता, इसमें सारी चीज़ें चलती है जैसे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह। अगर आपको जो इसका MID है वो भी काफ़ी सुंदर देखने को मिलता है, और इसके MID में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो जो ज़रूरत वाली चीज़ें। बाकी अटरम की ज़रूरत नहीं थी, अगर वो लेना होता तो शायद जेटा पे जाते, और बजट भी मतलब इसका ही था कि भाई इतना है तो यार इसलिए डेल्टा ही ली। तो इसमें मतलब सारी चीज़ें मतलब पूर्ति हो जाती है, जितनी भी मतलब ज़रूरत की चीज़ें। यहाँ पर ऑटो डिमिंग वाला सिस्टम नहीं मिलता, मैनुअली IRVM को एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर वेनिटी मिरर सिर्फ पैसेंजर साइड में मिलेगा, ड्राइवर साइड में आपको वेनिटी मिरर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हेलोजन में लाइट देखने को मिल जाते हैं, माइक देखने को मिल जाते हैं, जिसके द्वारा हम कमांड करके, जैसे एंड्रॉयड ऑटो चल रहा है, मैप लगाना है, मैप को कहीं मतलब लोकेशन बताना है, कमांड करके जैसे बैतूल बोला तो बैतूल का मैप वहाँ अपने आप लग जाएगा। लेकिन बस वही है कि जो अपना एंड्रॉयड ऑटो है वो कनेक्ट होना चाहिए। AC वगैरह है तो AC क्लाइमेट कंट्रोल वाला देखने को मिलता है, जिससे मतलब क्लाइमेट के हिसाब से खुद ही ढल जाता है। यहाँ पर USB पोर्ट देखने को मिलेगा, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा, और 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है, रिवर्स गियर एक और मिलता है, हैंड ब्रेक वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, और मतलब स्पेस भी ठीक ठीक है भाई, बहुत स्पेस है इसमें। पीछे की तरफ अगर सामने की तरफ 6 फीट का बंदा बैठा है तो पीछे वाले बंदे को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है।
पीछे की बात करते हैं अब, तो पीछे की तरफ भी आपको जो पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, और पीछे की सीट मेरे हिसाब से सेट है, और मैंने और पीछे कर रखी थी तो भी काफ़ी जगह इसमें बसती है पीछे की तरफ। कुछ इस टाइप का लुक है इसके डैशबोर्ड का, और ये भाई तीन हेडरेस्ट पीछे की तरफ मिल जाते हैं 60-40 रेसो की, जो सीट वाला सिस्टम देखने को मिल जाता है, और यहाँ रूफ लाइट देखने को मिलता है जो कि हेलोजन में ही है, पीला लाइट। यहाँ पर ग्रे वेंडल, और कुछ इस टाइप का लुक सिस्टम है भाई पीछे की तरफ। 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट पीछे की तरफ भी देखने को मिलेगा, जिससे पीछे वाले को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब जो रिक्वायरमेंट वाली चीज़ थी ना यार, सीधी सी बात है, वैल्यू फॉर मनी यही वेरियंट है इसका बलेनो का, इसलिए इस पर गया, शायद नहीं तो दूसरी गाड़ी पर जाता मैं। सामने का मतलब सिस्टम कुछ इस टाइप का है, चाबी लगी हुई है अभी इसलिए वो चल रहा है। चार इसमें स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जिसका बढ़िया सिस्टम मतलब वहीं से हो जाता है, इसके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वहीं से। चार स्पीकर सिस्टम, दो ट्विटर इसमें आते नहीं है, सिर्फ चार स्पीकर सिस्टम ही देखने को मिलते हैं, और बढ़िया मतलब जो साउंड है ना काफ़ी ओके ओके से, मतलब बढ़िया लगता है यार साउंड सुनो ना, अंदर बैठ जाओ, बेस ट्रेबल और मिड वाला मतलब सब कुछ सेट कर लो अपने हिसाब से, और बस चालू कर लो, 2-3 घंटे बढ़िया सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉफ्ट टच का इसमें यूज़ किया गया काफ़ी जगहों पर। अब पीछे की बात करूँ तो रिफ्लेक्टर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और जो इसकी ये बताया ना मैंने, इसका जो क्रोम गार्निश लगाई है वो इसका अलग ही सीन है। नंबर प्लेट के ऊपर हेलोजन लाइट मिलेंगे, 3 बिस्किट मिलेंगे, 4 ऊपर बल्ब देखने को मिल जाएंगे जो कि रात में बहुत बढ़िया लगते हैं। पीछे रिफ्लेक्टर वगैरह देखने को मिलेंगे, पीछे की तरफ रियर डिफोगर देखने को मिलता है, और इसको खोलते तो यहाँ पर एक बटन मिलता है खोलने के लिए, रिवर सेंटर वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलता, काफ़ी बड़ी इसमें डिक्की देखने को मिल जाती है, और जो पार्सल ट्रे है इसमें कंपनी की तरफ से ही आती है। तो ये कुछ था भाई हमारा वीडियो, और इसमें स्पॉइलर वगैरह देखने को मिल जाता है, हाई स्टॉप लैंप भी उस पर ही देखने को मिलता है। ये कुछ था हमारा भाई वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भाई, और ऐसे ही वीडियो बलेनो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।